उन्होंने पहले स्केच लिए, फिर वो नीचे आए, मुझसे हाथ मिलाया, फिर दोनों ही नीचे आए थे, उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने मुझसे बात की और थैंक यू कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बात करूं जो ये हमने वीडियो देखी है, तो मेरा ख्याल है कि भाई ये एक बहुत हम्बल जेस्चर है पीएम मोदी की तरफ से। जो सोचा था कभी ऐसे मुलाकात होगी, आपके स्पीच भी लेंगे, और कैसा रहा एक्सपीरियंस? हो रहा हाँ, थोड़ा सा था कि वो सर देखेंगे तो जरूर नीचे उतर के मेरे पास से लेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक अच्छा गेस्टर भी है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप देखें कि मोदी वहाँ से नीचे आए हैं, उसके बाद पेड्रो को भी हुआ कि नहीं यार वो एक मजदूर बच्ची है, तो दोनों के लिए अच्छा गेस्टर। मैं कहूँगी कि आज के दिन में सबसे अच्छी चीज मैंने शायद ये देखी है, मतलब जो आज के दिन का मेरा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस वीडियो से मुझे एक तो खुशी भी मिली और मतलब मुझे इंटरनली अच्छा फील हुआ, क्योंकि नो डाउट जिस तरीके से हम देखते हैं पीएम मोदी जी डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हाथ मिलाई और बहुत खुश है हम लोग। क्या क्या बातचीत की और कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बातचीत क्या हुई वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं दूर था, मगर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। व्हील चेयर पर बेटी को 5.5 घंटे तक लिख कर आप बैठे रहे, जैसे बता रहे 4 बजे आ गए। वही हमारी मेहनत सफल हुई, हम सुबह आके खड़े रहे थे, हमारी मेहनत सफल हुई। तो यार मतलब बहुत कमाल वीडियो यार, मतलब इस तरह के पीएम्स नहीं देखने को मिलते जो खुद जाके इस तरह की, और बिल्कुल एक यू नो फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आप उनसे बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। और सीरियसली मैं चाहती हूँ कि एक लीडर को वाकई में ऐसा ही होना चाहिए, उसको आम जनता के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की महानता को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी उनकी तारीफ कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि हमारे देश के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी से सीख लेनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी के जैसे कार्य करना चाहिए। मैं कहूँगी कि आज के दिन में सबसे अच्छी चीज मैंने शायद ये देखी है, मतलब जो आज के दिन का मेरा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस वीडियो से मुझे एक तो खुशी भी मिली और मतलब मुझे इंटरनली अच्छा फील हुआ, क्योंकि नो डाउट जिस तरीके से हम देखते हैं पीएम मोदी जी डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और बिल्कुल एक यू नो फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आप उनसे बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। और सीरियसली मैं चाहती हूँ कि एक लीडर को वाकई में ऐसा ही होना चाहिए, उसको आम जनता के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। दरअसल बीते कल जब प्रधानमंत्री मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री रोड शो कार्यक्रम के साथ बड़ौदा कार्यस्थल पर जा रहे थे, तो तभी रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। जब स्पेनिश प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो कार्यक्रम हो रहा था, तो उन दोनों को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों के आजू बाजू एकत्रित हुए थे, और सड़क के आजू बाजू एकत्रित सभी लोग जोर जोर से अपने हाथ हिला रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी से भेंट और वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक दिव्यांग बच्ची भी प्रधानमंत्री मोदी को और स्पेनिश प्रधानमंत्री को देखने के लिए और उनको उनके स्केच गिफ्ट करने के लिए आई हुई, तो जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की नजर उस बच्ची पर पड़ी और प्रधानमंत्री मोदी को यह पता चला कि वह बच्ची उनसे मिलना चाहती है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सारा का सारा काफिला और रोड शो कार्यक्रम को रोक दिया और गाड़ी से उतर कर स्पेनिश प्रधानमंत्री के साथ बच्ची से मिलने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री ने बड़े आराम से उस बच्ची से भेंट और वार्तालाप की, और फिर उस बच्ची के द्वारा स्पेनिश प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी को उपहार स्वरूप उनके स्केच दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्य को देखकर वह बच्ची बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी, और आसपास एकत्रित हुए लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्य को देखकर यह समझ चुके थे कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी जनता से बढ़कर कोई भी प्यारा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्य की केवल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों में भी सराहना हो रही है, और पाकिस्तानी नागरिकों का यहाँ पर कहना है कि हमारे देश के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी से सीख लेनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी के जैसे कार्य करना चाहिए। स्केच भी लेकर आई थी क्या? दोनों देश के प्रधानमंत्री के आपसे मिले, स्केच लिए क्या आपसे? हाँ, उन्होंने पहले स्केच लिए, फिर वो नीचे आए, मुझसे हाथ मिलाया, फिर दोनों ही नीचे आए थे, उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने मुझसे बात की और थैंक यू कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्या क्या बातचीत क्या हुई आपकी दोनों प्राइम मिनिस्टर के साथ? उन्होंने पूछा मेरा नाम पूछा, फिर कैसी हो, कहाँ से हो, फिर स्पेन के पीएम नीचे आए तो मोदी जी ने मेरा इंट्रोडक्शन उनको दिया कि मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ती हूँ और ऐसे।
और थैंक यू कहूंगा। सोचा था कभी ऐसे मुलाकात होगी, आपके स्पीच भी लेंगे, और कैसा रहा एक्सपीरियंस? हो रहा थोड़ा सा था कि वो सर देखेंगे तो जरूर नीचे उतर के मेरे पास से लेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कुछ प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा हो आपसे, खास करके जो दिव्यांग लोग हैं उनसे उनका जो कनेक्टिविटी होती है, स्नेह होता है, ज्यादा रहता है? कई बार अपने प्रोग्रामों में भी वो बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दिए। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ बातचीत आपकी? उन्होंने बस थैंक यू बोला ऐसा हाथ जोड़ के। स्केच बनाने में कितना टाइम लगा था और क्यों मतलब ऐसा विचार आया कि स्केच बनाते? मैंने जब न्यूज में देखा कि वो वडोदरा आ रहे थे तो मेरी इच्छा हुई कि इनको मैं अपने स्केच देती हूँ, तो मैंने 4 दिन में बना के। आप रहते का वडोदरा कहिए? हाँ, वडोदरा फतेहगंज। थैंक यू। आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम परेश गोसाई। परेश भाई, आप बेटी के साथ यहाँ पर आए थे, अभी कुछ मिनट पहले ही रोड शो हुआ है यहाँ पर, दोनों देश के प्रधानमंत्री से की आपकी मुलाकात हुई, क्या कन्वर्सेशन हुआ, और कुछ स्केच भी बनाकर आई थी आपकी बेटी, क्या वो लिए गए? हम कल रात को आके देख गए थे, हमें पता नहीं था कि रोड शो सुबह में होगा या रात को होगा, क्योंकि डेकोरेशन रात लाइटिंग का ज्यादा था, तो हमें लगा कि रात का डेकोरेशन होगा। मोदी साहब ज्यादातर रात को निकलते रोड शो करते हैं, तो हमें रात का पता था, तो हमने यहाँ पूछा तो उन लोगों को बताया कि कल सुबह 9 बजे है। तो बेटी ने बोला पापा, तो पुलिस वालों को पूछा तो सब लोग 6 बजे तो यहाँ तो बंद हो जाएगा रास्ता। हम सुबह 4 बजे से यहाँ आके खड़े रह गए थे, और इतना आश्वस्त था कि मोदी साहब देखेंगे तो जरूर हमारे बच्चे के हाथ से लेंगे, और मोदी साहब ने जी हमारे बच्चे के हाथ से ड्रो देखा तो बहुत खुश हुए, और नीचे उतर कर दोनों प्रधानमंत्री ने मोदी साहब ने इंट्रोडक्शन दिया हमारे बच्चे का, दिया गोसा ऐसा है कि फाइन आर्ट्स में पढ़ते, ऐसा इंट्रोडक्शन दिया स्पेन के प्रधानमंत्री को, और दोनों ने दिया के साथ हाथ मिलाई, और बहुत खुश है हम लोग। क्या क्या बातचीत की और कैसा महसूस कर रहे हैं? वो बातचीत क्या हुई वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं दूर था, मगर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर बेटी को 5.5 घंटे तक लिखकर आप बैठे रहे, जैसे बता रहे 4 बजे आ गए। हाँ, वही हमारी मेहनत सफल हुई, हम सुबह आके खड़े रहे थे, हमारी मेहनत सफल हुई। बेटी ने कितने दिन मेहनत की थी, और सोचा था इसके पहले कभी कि ऐसे प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हो जाएगी? मेरी बेटी ने 4 दिन से ड्रॉ कर रही थी, 4-5 दिन से कर रही, और सोचा नहीं था कि ऐसे हमारे बच्चे के पास आएंगे, मगर विश्वास था जरूर, मेरी बेटी का और हमारा विश्वास था जरूर कि हमें देखेंगे मोदी साहब तो जरूर आएंगे।